नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ पिनेकल SSC सामान्य अध्ययन की बुक का तीसरा एडिशन, और इसमें हम आधुनिक इतिहास के टॉपिक क्रांतिकारी और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष से संबंधित दिए गए मोस्ट प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों सभी प्रश्न आपकी प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी आपकी होने वाली परीक्षाओं में इनमें से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों की वीडियो को पूरा जरूर देखें। और वीडियो में दी गए कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। चलिए दोस्तों हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आधुनिक इतिहास के अभी तक हमने 6 टॉपिक में 668 प्रश्नों को कम्प्लीट किया है और ये हमारा आधुनिक इतिहास का 7वां टॉपिक है क्रांतिकारी, और इसमें हमारे प्रश्न शुरू हो रहे हैं दोस्तों 669 प्रश्न से। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने अलीपुर बम साजिश मामले में आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया था? निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने अलीपुर बम साजिश मामले में आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया था? दोस्तों आंसर है इसका कन्हैयालाल दत्ता। 29 क्रांतिकारियों में से थे जिन्हें सम्राट बनाम अरविंदो घोष अलीपुर बम केस में गिरफ्तार किया गया था। अलीपुर बम मामला एक ऐतिहासिक परीक्षण था जिसे ब्रिटिश सरकार ने विभिन्न क्रांतिकारी गतिविधियों में श्री अरविंदो को फंसाने की कोशिश की थी। 670वां प्रश्न दोस्तों दिया गया है, क्रांतिकारी भगत सिंह की उम्र क्या थी जब उन्हें मृत्यु तक फांसी पर लटकाया गया था? दोस्तों आंसर है इसका 23 वर्ष। 23 मार्च 1931 को ब्रिटिश अधिकारी जेपी सॉन्डर्स की हत्या के आरोप में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर लटका दिया गया था। जब उन्हें फांसी दी गई थी तब उनकी उम्र 23 साल थी। दोस्तों भगत सिंह की उम्र जो थी वो 23 साल थी। 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा, यूथ सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए। भारतीय क्रांतिकारियों और उनके द्वारा स्थापित संगठनों का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही रूप से जोड़ा गया है? भारतीय क्रांतिकारियों और उनके द्वारा स्थापित संगठनों का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही रूप से जोड़ा गया है? दोस्तों दिए गए आपके ऑप्शन हैं एम वीरा राघवचारी पूना सार्वजनिक सभा, बद्रुद्दीन तैयब जी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, महादेव गोविंद रनाडे मद्रास महाजन सभा, रविंद्रनाथ बनर्जी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, आपका इसमें सही जोड़ा गया है। बद्रुद्दीन तैयब जी एसोसिएशन थी इनकी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से थे बद्रुद्दीन तैयब जी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की जो स्थापना है वो फिरोज शाह मेहता, KT तलंग और बद्रुद्दीन तैयब जी ने की थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, KT तलंग और बद्रुद्दीन तैयब जी ने की थी। इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रनाडे ने 2 अप्रैल 1870 को की थी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में पलवई रंगैया नायडू ने और राजा सबलाई रामास्वामी मुदलियार और पनपक्कम आनंद चारू ने की थी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में पलवई रंगैया नायडू, राजा सवलाई रामास्वामी मुदलियार और पनपक्कम आनंद चारलू ने मिलकर की थी। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने 1866 में की थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने 1866 में की थी। दोस्तों 672वां प्रश्न है, खुदीराम बोस को निम्नलिखित में से किस जेल में फांसी के लिए भेजा गया था? दोस्तों आंसर है इसका मुजफ्फरपुर की जेल में खुदीराम बोस को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। मुजफ्फरपुर की जेल में खुदीराम बोस को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। उन्हें ब्रिटिश जज डगलस किंग्सफोर्ड की हत्या की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 11 अगस्त 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दी गई थी। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन चट्टगांव शस्त्रागार छापे से जुड़ा था? दोस्तों आंसर है इसका अर्धेंदु दस्तीदार चट्टगांव
शस्त्रागार छापे से जुड़ा था। सुरेश सेन ने 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार हमले का नेतृत्व किया था। सुरेश सेन और तारकेश्वर दस्तीदार को दोषी पाया गया और वर्ष 1934 में उन्हें फांसी दे दी गई थी। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन मास्टरदा के नाम से प्रसिद्ध थे? दोस्तों आंसर है इसका सूर्य सेन। सूर्य सेन को मास्टरदा के नाम से जाना जाता था। वह एक बंगाली क्रांतिकारी थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत योगदान दिया। उन्हें ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 1930 के चटगांव शस्त्रागार छापे का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता था। 675वां प्रश्न दोस्तों, पंडित मदन मोहन मालवीय को डैश के नारे को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। पंडित मदन मोहन मालवीय को डैश के नारे को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। दोस्तों आंसर है इसका सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, पंडित मदन मोहन मालवीय को सत्यमेव जयते के नारे को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। मालवीय ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल 1909 से 20 में भी काम किया। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। मौलाना हसन मुहानी ने प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद दिया था। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था। निम्नलिखित में से किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओ डायर की हत्या की थी? दोस्तों आंसर है इसका उधम सिंह। उधम सिंह, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओ डायर को उधम सिंह ने मार डाला था। ओ डायर वेस्टमिंस्टर लंदन के क्रैक्सटन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और सेंट्रल एसोसिएशन सोसाइटी की संयुक्त बैठक में जलियांवाला बाग अमृतसर में हुए नरसंहार के प्रतिशोध में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओ डायर को उधम सिंह ने मार डाला था। ओ डायर वेस्टमिंस्टर लंदन के क्रैक्सटन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और सेंट्रल एशियन सोसाइटी की संयुक्त बैठक में जलियांवाला बाग अमृतसर में हुए नरसंहार के प्रतिशोध में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित भारतीय क्रांतिकारियों में से किसने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की कल्पना की थी? आंसर दोस्तों इसका बाघा जतिन। बाघा जतिन, बाघा जतिन ने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह की कल्पना की। 1906 में युवा जतेंद्रनाथ मुखर्जी द्वारा बाघा जतिन उपाधि अर्जित की गई थी जब उन्होंने 3 घंटे तक अकेले रॉयल बंगाल टाइगर के साथ लड़ाई लड़ी थी और उसे खंजर से मार डाला था। निम्नलिखित में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती मामले में आरोपी नहीं था? आंसर दोस्तों इसका भगत सिंह। भगत सिंह, काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास एक गांव काकोरी में हुई एक ट्रेन डकैती थी। काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास एक गांव काकोरी में हुई एक ट्रेन डकैती थी। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लोहरी, केशव चक्रवर्ती, मुकुंदलाल बनवारी लाल मामले में आरोपी थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। तो काकोरी जो ट्रेन कांड है दोस्तों उसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। निम्नलिखित में से किसने लंदन में सर विलियम हंट कर्जन वाइली की हत्या की थी? मदनलाल ढींगरा ने। मदनलाल ढींगरा एक भारतीय क्रांतिकारी स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। इंग्लैंड में अध्ययन के दौरान उन्होंने एक ब्रिटिश अधिकारी सर विलियम हंट कर्जन वाइली की हत्या कर दी थी जिसे 20वीं शताब्दी में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांति के पहले कृत्यों में से एक के रूप में उद्धृत किया गया था। स्वतंत्रता सेनानी वीर सुरेंद्र साई कहाँ से थे? दोस्तों आंसर है इसका ओडिशा से। वीर सुरेंद्र साई ओडिशा के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने 1857 से बहुत पहले ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना विद्रोह शुरू कर दिया था और झांसी की रानी तात्या टोपे कुंवर सिंह और अन्य के नेतृत्व में संघर्ष के बाद 1857 से 1864 तक ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ अपना गुरिल्ला युद्ध जारी रखा था। वीरेंद्र जो सुरेंद्र साई थे दोस्तों ये ओडिशा के स्वतंत्रता सेनानी थे। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? 1932 में। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में हुई थी।
यह भारत में अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी संगठन है। 682 वा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाला पहला भारतीय था? दोस्तों आंसर है इसका भिकाजी कामा। 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ड में अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय भिकाजी कामा थे। 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ड में अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय भिकाजी कामा थे। दोस्तों वीडियो में दिया कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। दोस्तों आगे हमें दिया गया है 683वां प्रश्न, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? दोस्तों आंसर है इसका 1876 में। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई थी। इसकी स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई थी और इसकी स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। इस एसोसिएशन का उद्देश्य लोगों की राजनीतिक और बौद्धिक और भौतिक उन्नति को हर वैध तरीके से बढ़ावा देना था। दोस्तों अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? दोस्तों आंसर है इसका एन जी रंगा अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के पहले महासचिव थे। वह आंध्र प्रदेश के एक स्वतंत्रता सेनानी थे और किसान आंदोलन में उनके योगदान के लिए भारत के राष्ट्रपति से पद्म विभूषण भी इन्होंने प्राप्त किया था। काकोरी षड्यंत्र कांड निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? 1925 में काकोरी षड्यंत्र का मामला हुआ। यह घटना ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी गांव में हुई एक ट्रेन डकैती की घटना थी। कार्यक्रम का आयोजन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा किया गया था। दोस्तों यह हुआ था 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी गांव में एक ट्रेन डकैती की घटना थी। निम्नलिखित में से कौन एक नेता था जिसने उत्तर पूर्व भारत से ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था? रानी गैडिनिलियो एक नागा आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता थी। जिन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। 13 साल की उम्र में वह मणिपुर में अपने चचेरे भाई हाइपो जादो नांग द्वारा स्थापित हिराका धार्मिक आंदोलन में शामिल हो गई। यह आंदोलन बाद में मणिपुर और आसपास के नागा क्षेत्रों से अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए एक राजनीतिक आंदोलन में बदल गया था। 687वां प्रश्न दिया गया है। दोस्तों स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी की पहचान कीजिए। दोस्तों आंसर है इसका खुदीराम बोस। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में जन्मे खुदीराम बोस अंग्रेजों के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम उम्र के शहीदों में से एक थे। महज 15 साल की उम्र में वह अनुशीलन समिति में शामिल हो गए थे और ब्रिटिश राज के खिलाफ कई क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लिया था। निम्नलिखित में से किसने 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती की कल्पना की थी? दोस्तों आंसर है इसका रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान। काकोरी षड्यंत्र या काकोरी ट्रेन डकैती या काकोरी केस 9 अगस्त 1925 को ब्रिटिश भारत सरकार के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान काकोरी और लखनऊ के पास हुई एक ट्रेन डकैती थी। काकोरी षड्यंत्र 1925 ईस्वी में शामिल होने के लिए रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और रोशन सिंह को फांसी पर लटका दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी घटना गांधी जी के द्वारा असहयोग खिलाफत आंदोलन के अंत की वजह बनी थी? दोस्तों आंसर इसका
चोरी चोरा घटना, चोरी चोरा घटना, चोरी चोरा जो घटना है उस कांड के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। चोरी चोरा की घटना 4 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत आधुनिक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चोरी चोरा में हुई थी। 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। बीजी तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई थी और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। किस राष्ट्रीय संगठन के सदस्यों का नेतृत्व चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के द्वारा किया गया था? दोस्तों आंसर है इसका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एक क्रांतिकारी संगठन था जिसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के रूप में भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1928 ईस्वी में नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव थापर और राम प्रसाद बिस्मिल ने की थी। अगला प्रश्न है, 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कहां कर दी गई थी? दोस्तों आंसर है इसका पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। 1872 ईस्वी में पोर्ट ब्लेयर में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी। उन्होंने वित्त के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की थी। अगला प्रश्न है, 692 यह कथन, मुझ पर किए गए प्रहार भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत में आखिरी कील है, किस स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है? लाला लाजपत राय से। लाला लाजपत राय ने दोस्तों ये कहे थे कि मुझ पर किए गए प्रहार भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत में आखिरी कील है। तो ये दोस्तों कथन है लाला लाजपत राय के। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, यह कथन, बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लाते, क्रांति की तलवार विचारों के धार बढ़ाने वाले पत्थर पर रगड़ी जाती है, किस स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है? दोस्तों आंसर है इसका भगत सिंह। दोस्तों ये कथन भगत सिंह ने कहा था। क्रांतिकारी नेता भगत सिंह ने कहा कि बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लाते, क्रांति की तलवार विचारों के धार बढ़ाने वाले पत्थर पर रगड़ी जाती है। 23 मार्च को भारत में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की पुण्यतिथि पर भारत में डैश दिवस को उनकी श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। आंसर दोस्तों इसका शहीद, शहीद दिवस। 23 मार्च को भारत शहीद दिवस को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि के रूप में मनाता है। 30 जनवरी को महात्मा गांधी की याद में भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 695 प्रश्न है, मित्र मेला एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना वीर सावरकर के द्वारा वर्ष डैश में की गई थी। आंसर इसका 1899 में, वर्ष 1899 में, वर्ष 1899 में पी डी सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर ने एक क्रांतिकारी समाज मित्र मेला की स्थापना की जिसने सदस्यों को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रभावित किया था। 1899 में वी डी सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर ने एक क्रांतिकारी समाज मित्र मेला की स्थापना की जिसने सदस्यों को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रभावित किया। दोस्तों अगला प्रश्न है, 696 प्रश्न, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को वर्ष डैश में फांसी दी गई थी 1931 में। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को वर्ष 1931 ईस्वी में लाहौर जेल में 24 मार्च को निर्धारित फांसी के खिलाफ फांसी दी गई थी। उन्हें लाहौर साजिश मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी जिसमें उन्हें वरिष्ठ ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या का दोषी पाया गया था। दोस्तों आगे हमारे पास आधुनिक इतिहास का 8वां टॉपिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। प्रश्न हमारा 697 में, निम्नलिखित में से कौन सी घटना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहली बार हुई थी? निम्नलिखित में से कौन सी घटना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहली बार हुई थी? दोस्तों आंसर है इसका बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन दोस्तों 1905 में हुआ था। बंगाल का विभाजन 1905 में और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, साइमन कमीशन का आगमन 1928 में और डांडी मार्च 1930 में किया गया था। डांडी मार्च 1930 में किया गया था। तो दोस्तों बाकी जितने भी आपके ऑप्शन दिए गए हैं तो वो भी आपको बताए गए हैं कि ये किन किन वर्षों में हुए थे। साइमन जो कमीशन दोस्तों ये 1928 का है, बंगाल विभाजन 1905 का है, खेड़ा सत्याग्रह 1918 का है,
और दांडी मार्च 1930 का है। तो सबसे पहले बंगाल का विभाजन। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1919 से पहले घटी थी? बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 में। चोरी चोरा हादसा जो हुआ है, घटना हुई थी 4 फरवरी 1922 को। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता का संकल्प इसी सत्र में लिया था। 699 प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के निम्नलिखित नेताओं में से किसने स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा दिया था? दोस्तों आंसर है इसका बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा का नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। सुभाष चंद्र बोस का नारा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा और जय हिंद। लाला लाजपत राय का नारा था, हार और असफलता कभी कभी जीत के आवश्यक कदम होते हैं। 500 प्रश्न दोस्तों, भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया और इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया? दोस्तों आंसर है इसका वर्ष 1961 में। भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया और 1961 में इसे एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया। पुर्तगालियों ने 1510 में भारत का उपनिवेश किया और भारत के कई पश्चिमी हिस्सों जैसे गोवा, दमन, दीव, दादर, नगर हवेली और अंजदीवा द्वीप पर विजय प्राप्त की। 18 से 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने गोवा पर कब्जा कर लिया और पुर्तगाली भारत के गवर्नर जनरल ने इस्तीफा दे दिया। 701 प्रश्न है, शाइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान उसे लगी चोटों के कारण दम तोड़ दिया? दोस्तों आंसर है इसका लाला लाजपत राय ने, लाला लाजपत राय ने। वर्ष 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय की मौत हो गई थी। भारतीय संविधिक आयोग इस जिसे साइमन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था। औपनिवेशिक शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बाबा रामचंद्र ने मुख्य रूप से किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था? अवध, अवध आएगा दोस्तों इसका। बाबा रामचंद्र ने मुख्य रूप से अवध में औपनिवेशिक शासन के दौरान किसान संघर्ष का नेतृत्व किया। उन्होंने अवध में ताल्लुकदारों और जमींदारों के खिलाफ एक किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। दोस्तों अगला प्रश्न है 703 प्रश्न, 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड की जिम्मेदारी ब्रिटिश सेना के किस जनरल पर थी? दोस्तों आंसर है इसका जनरल डॉयर, जनरल डॉयर। 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड की जिम्मेदारी जनरल डॉयर पर थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसे अमृतसर नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सी राजगोपालचारी ने वर्ष 1930 में नमक कानून तोड़ा था? वेदारण्यम, वेदारण्यम। की राजगोपालचारी ने 1930 में तत्कालीन तंजौर जिले के छोटे से तटीय शहर वेदारण्यम में नमक कानून तोड़ा। स्वतंत्र तो भारत के पहले राज्यपाल की राजगोपालचारी थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस शहर से शुरू किया गया था? आंसर है इसका बॉम्बे शहर से, बॉम्बे शहर से। महात्मा गांधी द्वारा 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। पहली बार भारतीय तिरंगे झंडे को गोवाले टैंक मैदान में अरुणा आसफ अली ने फहराया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक कौन था? दोस्तों आंसर है इसका राम प्रसाद बिस्मिल। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ बख्शी, सचिंद्रनाथ सान्याल और जोगेश चंद्र चटर्जी ने की थी। इनके प्रारंभिक प्रयासों में से सबसे प्रमुख 1925 का ककोड़ी षड्यंत्र मामला है। निम्नलिखित में से किसने 1876 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी थी? आंसर है दोस्तों इसका सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1876 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी थी। इस
एसोसिएशन का उद्देश्य हर वैध माध्यमों से राजनीतिक बौद्धिक और भौतिक उन्नति को बढ़ावा देना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? चित्तरंजन दास ने। मोतीलाल नेहरू के साथ चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दिसंबर 1922 में चित्तरंजन दास, नरसिम्हा, चिंतामण केलकर और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया, जिसमें दास अध्यक्ष और नेहरू सचिवों में से एक थे। सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना में महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना में महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? दोस्तों आंसर इसका झांसी की रानी रेजिमेंट। झांसी की रानी रेजिमेंट, झांसी की रानी रेजिमेंट सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना में महिला रेजिमेंट का नाम था। बारदोली में किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था? बारदोली में किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों आंसर है इसका 1928 में। 1928 में ब्रिटिश राज के दौरान भारत के गुजरात राज्य में बारदोली सत्याग्रह 1928 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सविज्ञा अवज्ञा और विद्रोह का एक प्रमुख प्रकरण था। ब्रिटिश राज के दौरान भारत के गुजरात राज्य में बारडोली सत्याग्रह 1928 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सविनय अवज्ञा और विद्रोह का एक प्रमुख प्रकरण था। आंदोलन का नेतृत्व अंततः वल्लभ भाई पटेल ने किया था और इसकी सफलता ने पटेल को स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक बना दिया था। अगला प्रश्न है, मणिपुर के किस महाराजा ने भारत सरकार के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए? बोध चंद्र सिंह ने। मणिपुर के महाराजा बोध चंद्र सिंह ने मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता को बनाए रखने के आश्वासन पर भारत सरकार के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। मणिपुर के महाराजा बोध चंद्र सिंह ने मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता को बनाए रखने के आश्वासन पर भारत सरकार के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन, इसका मतलब था कि उनका राज्य भारत संघ का हिस्सा बनने के लिए सहमत हो गया है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इसका मतलब था कि उनका राज्य भारत संघ का हिस्सा बनने के लिए सहमत हो गया है। दोस्तों 712 प्रश्न है, किसने दिल्ली चलो तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं का नारा दिया था? दोस्तों आंसर है इसका सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया कि दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? दोस्तों आंसर इसका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। 714 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था? दोस्तों आंसर इसका सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के द्वारा नमक पर कर लगाने के विरोध में समुद्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। 1923 का झंडा सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? नागपुर में। झंडा सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा का एक हिस्सा था। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रवादी ध्वज फहराने के अधिकार और स्वतंत्रता का प्रयोग करना था। यह 1923 में नागपुर में आयोजित किया गया था। 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू किया गया था? अगस्त क्रांति मैदान से। भारत छोड़ो आंदोलन महाराष्ट्र के अधिक से अधिक मुंबई जिले में अगस्त क्रांति मैदान द्वारा शुरू किया गया था। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने एक भाषण के साथ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया कि अंग्रेजों को तुरंत भारत छोड़ देना चाहिए अन्यथा बड़े पैमाने पर आंदोलन होंगे। अगला प्रश्न है, डैश ने जलियांवाला बाग सामूहिक हत्या के विरोध में नाइटहुड की पदवी त्यागी? दोस्तों आंसर इसका रविंद्रनाथ टैगोर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और जो दोस्तों नाइटहुड की उपाधि है ये अंग्रेजों ने दी थी रविंद्रनाथ टैगोर को, परंतु इस घटना के बाद जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने इस उपाधि को अंग्रेजों को वापस कर दिया था। अगला प्रश्न है, गदर या गदर पार्टी का गठन किस वर्ष में हुआ था?
1913 में गदर या गदर पार्टी का गठन 1913 में हरदयाल और सोहन सिंह ने किया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सीएसपी की स्थापना की गई थी? दोस्तों आंसर है इसका वर्ष 1934 में। वर्ष 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में कांग्रेस सदस्यों द्वारा की गई थी, जिन्होंने एम के गांधी के तर्क विरोधी राष्ट्रवाद को खारिज कर दिया था। इसके संस्थापक थे जय प्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, नरेंद्र देव और मीनू मसानी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1928 में। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1928 में फिरोज शाह कोटला, नई दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव थापर और अन्य लोगों ने की थी। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। दोस्तों आगे हमें दिया गया है प्रश्न 721वां प्रश्न, स्वराज पार्टी स्थापित की गई थी? दोस्तों आंसर है इसका मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ने। स्वराज पार्टी स्थापित की गई थी मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ने। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद और दक्षिण विरुद्ध स्वशासन से भारत के लोगों को राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए की थी। डैश को भारत फरवरी 1915 के गदर षड्यंत्र में उनकी भूमिका के लिए नवंबर 1915 में लाहौर में निष्पादित किया गया था। आंसर दोस्तों इसका करतार सिंह सराभा को। करतार सिंह सराभा को फरवरी 1915 के गदर षड्यंत्र में उनकी भूमिका के लिए नवंबर 1915 में लाहौर में निष्पादित किया गया था। नवंबर 1915 में लाहौर में करतार सिंह को गदर षड्यंत्र में उनकी भूमिका के लिए फांसी दे दी गई थी, जब वह सिर्फ 18 वर्ष के थे। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान है कटक। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। छद्म नाम भानु सिंह का प्रयोग किसने किया? दोस्तों आंसर है इसका रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पहली महत्वपूर्ण कविता भानु सिम्मा ठाकुर पदवली शीर्षक से ब्रजबुली में छद्म नाम भानु सिंह सूर्य सिंह के तहत लिखी थी, जब वह सिर्फ 16 वर्ष के थे। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट 1919 समेकित रूप से क्या था? दोस्तों दिए गए आपके ऑप्शन है, इसने शांतिपूर्ण जुलूस निकालने की अनुमति दी थी, ऑप्शन बी यह सभी प्रकार के जन आंदोलन को प्रतिबंधित करने के लिए तैयार किया गया था, ऑप्शन सी यह असहयोग आंदोलन के खिलाफ था, या ऑप्शन डी इसने राजनीतिक गतिविधियों को दबा दिया और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति दी। दोस्तों आंसर इसका ऑप्शन डी, इसने राजनीतिक गतिविधियों को दबा दिया और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति दी थी। रॉलेट एक्ट 1919 इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित कानून था, जिसमें कुछ राजनीतिक मामलों को जूरी के बिना मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई थी और बिना मुकदमे के संदिग्धों को नजरबंद करने की अनुमति दी गई थी। 726वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अंगीकार या स्वीकार किया गया था? दोस्तों आंसर है इसका 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को 15 अगस्त 1947 ईस्वी को अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ दिन पहले 22 जुलाई 1947 को हुई संविधान सभा की बैठक के दौरान भारत के राष्ट्रीय ध्वज को उसके वर्तमान स्वरूप में अपनाया गया था। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? दोस्तों आंसर है वर्ष 1922 में। चोरी चोरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था, हालांकि गांधी जी ने अकेले ही राष्ट्रीय विद्रोह को रोक दिया था। 10 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निम्न में से किस कृषक विद्रोह में भाग लिया था? बारदोली सत्याग्रह में। बारदोली सत्याग्रह 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम में बारडोली के किसानों के लिए अन्यायपूर्ण करों के खिलाफ एक आंदोलन था।
एका आंदोलन, एका आंदोलन या एकता आंदोलन एक किसान आंदोलन था जो 1931 के अंत में हरदोई बहराई चौर सीतापुर में सामने आया था। मदारी पासी एका आंदोलन के नेता थे, मदारी पासी एका आंदोलन के नेता थे। तेभागा आंदोलन 1946 से 47 के दौरान बंगाल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के किसान मोर्चे की अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा शुरू किया गया था। ये एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन था। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में सहजानंद सरस्वती द्वारा गठित एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की किसान या किसान शाखा है। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि छोड़ दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। 22 मई 1919 ईस्वी को रविंद्रनाथ टैगोर ने नरसंहार की खबर मिली। उन्होंने कलकत्ता में एक विरोध की बैठक की व्यवस्था करने की कोशिश की और अंत में अपने ब्रिटिश नाइटहुड की उपाधि को विरोध का एक प्रतीकात्मक कार्य के रूप में त्यागने का फैसला किया। स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों आंसर है इसका टी आर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। स्वराज पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा वर्ष 1922 के अंत में 1923 ईस्वी की शुरुआत में स्थापित एक भारतीय राजनीतिक दल, विशेष रूप से मोतीलाल नेहरू उत्तरी भारत के सबसे प्रमुख वकीलों में से एक और राजनीतिक नेता जवाहरलाल नेहरू के पिता और चित्रंदन दास एक राष्ट्रवादी राजनीतिक द्वारा किया गया था। दोस्तों जैसे स्वराज पार्टी है इसका जो गठन है किया था मोतीलाल नेहरू और चित्रंदन दास जी ने मिलकर किया था। भारत में नागरिक अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भारत में नागरिक अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। 12 मार्च 1930 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता नेता मोहनदास गांधी जी ने नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार के विरोध में समुद्र की ओर एक उद्दंड मार्च शुरू किया जो भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ सविनय अवज्ञा का उनका सबसे साहसिक कार्य था। महात्मा गांधी ने किस तटीय शहर में नमक कानून को तोड़ा था? दोस्तों आंसर है इसका डांडी। आंसर है इसका डांडी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा 5 अप्रैल को अरब सागर के तटीय शहर डांडी पर नमक कानून को तोड़कर की गई थी। डांडी मार्च को नमक सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है। 733वां प्रश्न है, सारा गढ़ी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1897 में। वर्ष 1897 में सारागढ़ी की काल्पनिक लड़ाई 12 सितंबर 1897 इसी को समाना रेंज में एक छोटी ब्रिटिश चौकी पर हुई जब 10,000 से 12,000 पश्तून जनजातियों ने कई दिनों तक चौतरफा हमला किया था। इस स्वतंत्रता सेनानी ने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के लिए आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। आजाद हिंद फौज या भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन 1942 में रास बिहारी बोस द्वारा किया गया था और 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसे पुनर्जीवित किया गया था। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दिया था? दोस्तों आंसर इसका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। स्वदेशी आंदोलन 1905 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन वर्ष 1930 में हुए थे। बारडोली सत्याग्रह में निम्नलिखित में से किसने प्रमुख भूमिका निभाई थी? दोस्तों आंसर है इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बारडोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में हुआ था और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम में बारडोली के किसानों के लिए अन्यायपूर्ण करों के खिलाफ ये एक आंदोलन था। यह हुआ था बारडोली सत्याग्रह वर्ष 1928 में और इसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग कब शुरू किया गया था? वर्ष 1916 में। तिलक ने अप्रैल 1916 में बेलगाम में प्रांतीय कांग्रेस में पहली बार होम रूल लीग की स्थापना की। नरम पंथियों और कट्टर पंथियों का एकीकरण, साथ ही मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच एकता यानी बेसन की एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी। गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी? वर्ष 1919 में।
रॉलट एक्ट 1919 के खिलाफ गांधी जी द्वारा रॉलट सत्याग्रह विरोधी आंदोलन शुरू किया गया था। बिना मुकदमे के प्रेस की स्वतंत्रता और नजरबंदी के बहिष्कार के लिए 24 फरवरी 1919 को बॉम्बे में एक सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई थी। 37वां प्रश्न है, महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह आंदोलनों का आयोजन निम्न में से किस क्रम में किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह आंदोलनों का आयोजन निम्न में से किस क्रम में किया गया था? दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास हुआ था चंपारण, हुआ था सबसे पहले चंपारण, के बाद हमारे पास हुआ था खेड़ा सत्याग्रह, और खेड़ा के बाद रॉलट एक्ट, और रॉलट के बाद हुआ था दोस्तों हमारा दांडी मार्च, दांडी मार्च। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, चंपारण, खेड़ा, रॉलट और फिर दांडी मार्च 1930 में। चंपारण हुआ था 1917 में, खेड़ा हुआ था 1918 में, रॉलट एक्ट हुआ था 1919 में, दांडी मार्च वर्ष 1930 में। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा क्रम के अनुसार, चंपारण सत्याग्रह 1917, खेड़ा 1918, रॉलट एक्ट 1919 और दांडी मार्च 1930 क्रम के अनुसार ये दिए गए हैं। निम्न में से किन्हें प्यार से द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? दोस्तों आंसर है इसका दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी, इनका जन्म 4 सितंबर 1825 को और मृत्यु जो हुई थी, इनका निधन हुआ था वह 30 जून 1917 को हुआ था, और ये भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन और भारत के अनौपचारिक राजदूत के रूप में भी जाने जाते हैं। वे एक भारतीय विद्वान, व्यापारी और राजनीतिक थे। उन्होंने पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी। उन्हें 3 बार 1886, 1893 और 1906 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? 1920 में। असहयोग आंदोलन 4 सितंबर 1920 को महात्मा गांधी द्वारा स्वशासन और पूर्ण स्वतंत्रता यानी कि पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। 742वां प्रश्न है, विश्व धर्म के शिकागो यूएस सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष में हुआ था, जिसमें स्वामी विवेकानंद की धर्म पर चर्चा भी शामिल थी? 1893 में, वर्ष 1893 में स्वामी विवेकानंद ने वर्ष 1893 में शिकागो में भाषण दिया था। उन्होंने कहा कि मुझे एक ऐसे धर्म से संबंधित होने पर गर्व है जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति दोनों सिखाया है। हम न केवल सार्वभौमिक संस्था में विश्वास करते हैं बल्कि हम सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। निम्न में से कौन सा नेता हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का एक संस्थापक सदस्य नहीं था? दोस्तों आंसर है इसका बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी तो है ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक सदस्यों में से नहीं थे। 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में एक बैठक में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई थी। इसके नेताओं में थे भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष, जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता के कुछ अन्य प्रतीकों को लक्षित करते हुए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी में भारत के विभिन्न हिस्सों में नाटकीय कार्रवाई की। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन वर्ष डैश में किया और अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन वर्ष डैश में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था 1928 में, वर्ष 1928 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन वर्ष 1928 में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था। इसकी स्थापना 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और सुखदेव थापर ने की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों 745वां प्रश्न, 1920 का खिलाफत आंदोलन डैश के साथ हुए अन्याय के विरोध के रूप में आयोजित किया गया था? टर्की। आंसर है दोस्तों इसका टर्की। 1920 ईस्वी के खिलाफत आंदोलन का आयोजन तुर्की के साथ हुए अन्याय के विरोध में किया गया था। 1920 ईस्वी के खिलाफत आंदोलन का आयोजन तुर्की के साथ हुए अन्याय के विरोध में किया गया था। खिलाफत आंदोलन, जिसे भारतीय मुस्लिम आंदोलन 1919 से लेकर 1924 के रूप में भी जाना जाता है, खिलाफत आंदोलन जिसे भारतीय मुस्लिम आंदोलन 1919 से लेकर
1924 के रूप में भी जाना जाता है। एक ऐसी ताकत है जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में इस्लाम की अखंडता के लिए मुस्लिम वह के परिणाम स्वरूप भारत में पैदा हुई थी। 746वां प्रश्न है, असम में अंग्रेजों की कराधान नीति के विरुद्ध पथारू घाट विद्रोह कब हुआ था? असम में अंग्रेजों की कराधान नीति के विरुद्ध पथारू घाट विद्रोह कब हुआ था? वर्ष 1894 में। 1894 ईस्वी में असम में अंग्रेजों की कराधान नीति के खिलाफ पथारू घाट किसान विद्रोह हुआ। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की गाथा में सबसे दुखद और प्रेरक प्रसंगों में से एक है, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम की मुख्य धारा के ऐतिहासिक प्रवचन में शायद ही कभी दिखाई देती है। 747वां प्रश्न है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने बंगाल में 1876 में डैश की स्थापना की। आंसर दोस्तों इसका इंडियन एसोसिएशन की। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। सुरेंद्रनाथ बनर्जी बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने कांग्रेस के विपरीत मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का समर्थन किया। बाद में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और 1919 ईस्वी में इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन का गठन किया। 748वां प्रश्न है, सारागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? दोस्तों आंसर है इसका 1897 में। वर्ष 1897 में सारागढ़ी की लड़ाई 12 सितंबर 1897 ईस्वी को ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य और अफगान आदिवासियों के बीच लड़ी गई थी। यह उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में हुआ था। दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है, 749वां प्रश्न, बैसाखी दिवस 1919 पर लोगों के जमावड़े पर डैश द्वारा जारी फायरिंग ऑर्डर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया? दोस्तों आंसर है इसका जनरल डॉयर। जनरल डॉयर, बैसाखी दिवस 1919 पर लोगों के जमावड़े पर जनरल डॉयर द्वारा जारी फायरिंग ऑर्डर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को, जो कि बैसाखी का दिन था, उस दिन हुआ था। रोलट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी, जिसमें जनरल डॉयर नामक एक अंग्रेज ऑफिसर ने अकारण उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चलवा दी थी। दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ आधुनिक इतिहास के टॉपिक क्रांतिकारी और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष से संबंधित दिए गए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हमारे पूरे होते हैं। दोस्तों वीडियो में दिए गए कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।